हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेनू और केक एंड बेक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज हम बना रहे हैं पालक पूरी। पूरी तो हम रोज़ खाते हैं फ्रेंड्स, लेकिन एक ही वही रोज़ रोज़ पूरी खा के हम बोर हो जाते हैं, तो इसलिए आज हम पालक पूरी बनाएंगे। अक्सर हम पूरियाँ वगैरह बनाते रहते कभी भी किसी फेस्टिवल पर या किसी स्पेशल ओकेजन पर, तो आज हम स्पेशल पालक की हरी हरी पूड़ियाँ बनाएंगे जो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो आपको ये पूड़ी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए हम देख लेते हैं कि पालक पूरी बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें लगने वाले हैं। तो ये देखिए, हमने ये गेहूं का आटा लिया है, ये है 2.5 कप, 2.5 कप। और ये हमने लिया है पालक, पालक हमने लिया है 200 ग्राम। ये 200 ग्राम पालक है जिसे हमने पत्ते तोड़ के अच्छे से वॉश करके ऐसे ले लिया है। हमने इसे अच्छे से वॉश किया, देन हमें इसे ऐसे ले लेना है। देन हमें लगने वाला है ये, हमने लिया है 2 हरी मिर्च, 2 हरी मिर्च लिया है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है हमने। देन हमें लगेगा तिल, वाइट तिल हमने लिया है ये 2 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून हमने वाइट तिल लिया है। तिल का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है। देन हमने लिया है ये 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून हमने अजवाइन लिया है और नमक हमने लिया है 1/2 टीस्पून। आप स्वाद अनुसार नमक यूज कर सकते हैं आप अपने टेस्ट के हिसाब से। और 2 टेबल स्पून हमने ऑयल लिया है जिसे हम आटा गूंदने के लिए यूज़ करेंगे। और हमने ये ऑयल ले लिया है पूरी को फ्राई करने के लिए। तो चलिए अभी हम पालक का पेस्ट बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम पालक का पेस्ट बनाने के लिए एक मिक्सी का जार लेंगे और इसमें ये अदरक एंड हरी मिर्ची को डाल देंगे। उसके बाद ये जो पालक हमने लिया है इसे ऐसे रफली तोड़ के आपको इसमें डाल देना है और इसे बिना पानी डाले ही आपको पीस लेना है। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही पीस जाएगा। तो हमने इसमें सारे पालक डाल लिए, अब हम इसे ग्राइंड पीस लेते हैं अच्छे से। आपको एकदम महीन पेस्ट बना लेना है इसका। पालक प्यूरी मैं बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, हमने ये पालक का पेस्ट बना लिया। पालक और मिर्ची और 1 इंच जो अदरक लिया था उसे हमने मिक्सी में डाल के एक हमने उसका प्यूरी बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो आटा लिया था हमने, आटे में हम ये तिल ऐड कर देते हैं। तिल डालेंगे, फिर ये सॉल्ट डाल देते हैं, नमक, अजवाइन जो लिया है हमने, अजवाइन को थोड़ा सा ऐसे हम क्रश करके डालेंगे। अजवाइन को ऐसे आपको लेना है हाथों पे और थोड़ा सा इसे ऐसे क्रश करके डालना है ताकि इसका टेस्ट और अच्छा आता है। देन हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हींग। मैं 1/8 टीस्पून इसमें हींग ऐड कर रही हूँ। हींग हमने इसमें ऐड कर दिया। अब ये ऐसे ही हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं ताकि हमारा नमक, अजवाइन, हींग और तिल इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब हम क्या करेंगे, जो हमने पालक का ये प्यूरी बनाया था वो हम इसमें ऐड करेंगे। पालक की प्यूरी हम इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए, पालक की प्यूरी जो हमने बनाया था वो थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करते हुए आपको आटा गूंथना है। थोड़ा थोड़ा ऐसे डालते हुए आपको आटा गूंथते जाना है। देखिए, हमने सारा प्यूरी इसमें हमने ऐड कर दिया। ऐसे ही आपको आटा गूंथते जाना है अच्छे से। और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आटा गूंथ लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने ये आटे को ऐसे इसी स्टेज पर ला लिया है। इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आपको आटा गूंथना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आपको आटा गूंथना है, जैसे कि पूड़ी के लिए हम आटा गूंथते हैं वैसे ही आपको गूंथना है। तो अब इस स्टेज पे मैं क्या करूँगी, जो ऑयल लिया था हमने, ये जो 2 टेबल स्पून ऑयल लिया था हमने, वो हम इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए आटे में गूंथ लेंगे। इसको आपको इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए ऐसे सॉफ्ट कर लेना है, आटे को करते जाइए। जैसे आप थोड़ा थोड़ा ऑयल डालेंगे आपका आटा एकदम स्मूथ हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। तो आपको इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल डालते हुए आटा को गूंथ लेना है। तो देखिए, हमने पूरा 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाल दिया। अब हम इसे अच्छे से गूंथ लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने आटा गूंथ लिया अच्छे से, अच्छे से हमने आटा को गूंथ लिया है, ये देखिए। और देखिए कितना प्यारा कलर आया है इसका, ग्रीन आया है।
देखिए आटे को आपको ना ही ज़्यादा नरम रखना है ना ही ज़्यादा सख्त रखना है, ऐसा होना चाहिए तभी आपकी पूरी अच्छे से बनेंगी। अदरवाइज़ क्या होगा, आपका पूरी ज़्यादा नरम रहा तो आपका पूरी क्रिस्पी नहीं बनेगा, और ज़्यादा हार्ड कर दिया तो पूरी आपका ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, तो इसलिए आपको मीडियम ही रखना है डो को ऐसे। तो अब मैं क्या करती हूँ, इसे 20 मिनट के लिए ढक के साइड पे रख देती हूँ, फिर हम पूरियाँ बनाएंगे। तो 20 मिनट मैं इसे साइड पे रख लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने आटा को 20 मिनट के लिए रखा था, तो आटा अभी सेट हो गया है। तो अब हम पूरियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, इसकी छोटी छोटी पेड़े काट लेती हूँ, इसे पूरियाँ बनाने के लिए इसे छोटी छोटी लोइयाँ बना लेती हूँ, फिर हम पूरियाँ बनाएंगे। तो ऐसे आपको छोटे छोटे बॉल्स बना लेने हैं, आपको कितने बड़े कितने छोटे आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये देखिए ऐसे आपको सारे बॉल्स बना लेने हैं, तो मैं सारे बॉल्स ऐसे ही बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स हमने बॉल्स बना के रेडी कर लिए, अब हम पूरियाँ बेलेंगे। तो अब हम पूरियाँ बेलते हैं। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, इधर देखिए हमने गैस पे ऑयल चढ़ा दिया है। तो मैं पहले गैस ऑन कर लेती हूँ, तब तक हमारा ऑयल गर्म होता रहेगा। तो देखिए मैंने गैस ऑन कर लिया, अब हम पूरियाँ बेलेंगे। तो आपको क्या करना है, ऐसे ऑयल में थोड़े से डिप करना है, देन आपको ऐसे ये देखिए मैं इस पर पूरी को बेल लेती हूँ। थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है, फिर आपको आप अपने हिसाब से कितना मोटा एंड कितना पतला आपको रखना है पूरी, वैसे आपको इसे बेल लेना है। ये देखिए हमने पूरी बेल लिया, अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो ऐसे ही मैं सारी पूरियाँ बेल लेती हूँ, फिर मैं फ्राई करती हूँ। फ्रेंड्स हमारा तेल गर्म हो गया है, हमने तेल चढ़ाया था, तो मैं क्या करूँगी एक बार चेक कर लेती हूँ कि हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है कि नहीं। तो मैंने थोड़ा सा ऐसे आटा लिया है और मैं इसे तेल में डालती हूँ, फिर देखती हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने आटा को तेल में डाला वो तुरंत ऊपर आ गया, इसका मतलब कि हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हम पूरियाँ तलेंगे। तो देखिए तेल अच्छे से गर्म है, तो अब हम इसमें पूरियाँ फ्राई कर लेते हैं। पूरियाँ फ्राई करेंगे तो क्या करना है, आपको तेल को एकदम गर्म होना चाहिए फ्रेंड्स पूरियाँ फ्राई करने के लिए। तो आपको एक पूरी ऐसे डालना है ऑयल में, देन आपको ऐसे प्रेस करते रहना है, ऐसे हल्के हाथों से ऐसे प्रेस करके। तो देखिए ये कितने अच्छे से फूल गया, ये देखिए कितने अच्छे से फूल गया हमारा पूरी। तो आपको ऐसे ही करना है, फिर ऐसे ही दूसरी पूरी डालना है, और फिर आपको ऐसे ही हल्के हाथों से इसे प्रेस करना है ताकि अच्छे से आपकी पूरियाँ फूल जाएँ। तो देखिए अब इसे हम पलट देते हैं और दूसरे साइड से भी इसे हम अच्छे से सेक लेते हैं। दूसरे साइड से भी इसे हम एक दो मिनट के लिए दूसरे साइड से भी हम इसे सिर्फ 30 सेकेंड के लिए सेक लेते हैं। तो ये देखिए ऐसे ही आपको सारी पूरियाँ फ्राई कर लेना है। ये देखिए कितनी फूली फूली हमारी पूरियाँ बन रही है, आप देख सकते हैं कितनी फूली है ये हमारी पूरियाँ। तो देखिए ये कितना फूला हुआ हमारा पूरी है। तो इसे ऐसे करके आपको एक ये देखिए हमने टिश्यू पेपर ले रखा है, एक प्लेट में टिश्यू पेपर लगा रखा है, उस पर ही आपको सारी पूरियाँ निकालते जाना है ताकि जो भी हमारी पूरियाँ में एक्स्ट्रा तेल होंगे वो टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो आपको ऐसे ही सारी पूरियाँ बना लेना है। तो मैं क्या करती हूँ, सारी पूरियाँ ऐसे ही बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा पूरी बन के रेडी है, और आप देख सकते हैं ये कितना फुला फुला पूरी बना है। तो आप ये पूरी ज़रूर बनाइए एक बार, और अपने बच्चों को टिफ़िन में दीजिए, या आप ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं ये पूरियाँ। बच्चे ऐसे पालक खाना पसंद नहीं करते, तो आप उन्हें ऐसे पूरियाँ बना के दीजिए, वो ज़रूर खाएंगे। रेडी हुई है एकदम फूली फूली पालक की खस्ता हरी हरी पूरियाँ, तैयार है हमारा। तो इन्हें आप चटनी, अचार या रायते या अपने मनपसंद सब्ज़ी के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। ये पालक की पूरियाँ इसे आप 2 दिन तक रख के खा सकते हैं, ये बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो इसे आप बना के लेके जाइए, ये पूरियाँ बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। आप इसे बिना सब्ज़ी के भी खा सकते हैं। तो आप पालक का पूरी बनाइए, और हमारे साथ आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स कि आपका पालक का पूरी कैसा बना है। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, एंड हमारा वीडियो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।